संजय लीला भंसाली की फिल्म मलाल का ट्रेलर धमाकेदार क्यों है? ट्रेलर से ही कहानी का कैसे पता चल जाता है? संजय लीला भंसाली को किस प्रकार के कैरेक्टर प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, संजय लीला भंसाली की भांजी शर्मिन सहगल और जावेद जाफरी के बेटे मीज़ान की फिल्म मलाल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म मलाल का ट्रेलर काफी ही ज्यादा धमाकेदार है। मलाल से संजय लीला भंसाली अपनी भांजी शर्मिन और मीज़ान दोनों को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि दोनों स्टार किड्स की ये बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि ट्रेलर रिलीज होने से कुछ समय पहले ही मलाल का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया था, जिसमें मीज़ान और शर्मिन दोनों रोमांस करते हुए नजर आ रहे थे। और ये फिल्म अगले महीने यानी कि 28 जून 2019 को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। जैसा कि हमने बताया, फिल्म का ट्रेलर काफी धमाकेदार है। संजय लीला भंसाली की कहानी मुंबई बेस्ड है, जिसमें मीज़ान एक महाराष्ट्र के रहने वाले लड़के की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं शर्मिन सहगल फिल्म में एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं जो रहने वाली तो उत्तर भारत की है लेकिन मुंबई में आकर बस गई है। फिल्म मलाल के ट्रेलर की शुरुआत में मीज़ान पहले तो शर्मिन को महाराष्ट्रियन न होने की वजह से काफी तंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। संजय लीला भंसाली की फिल्म मलाल एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें मीज़ान और शर्मिन की लव स्टोरी को दिखाया गया है। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली बॉलीवुड में कई स्टार के करियर को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। आखिरी बार संजय लीला भंसाली ने सोनम कपूर और रणबीर कपूर को फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में लॉन्च किया था, और इससे पहले संजय लीला भंसाली मनीषा कोयराला से लेकर ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को भी बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं। संजय लीला भंसाली की पिछली फिल्म पद्मावत थी, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर एक साथ नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म को लेकर काफी बवाल हुआ था, पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इससे पहली फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया था। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में बाजीराव की पत्नी की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दोस्तों, संजय लीला भंसाली को बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्मकारों में से एक माना जाता है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और इन सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया है, बेहद प्यार दिया है। संजय लीला भंसाली को अपनी फिल्मों में कई शक्तिशाली कैरेक्टर्स को पेश करने के लिए भी जाना जाता है, और यही वजह है कि इनकी फिल्मों के कैरेक्टर काफी दमदार और काफी एनर्जेटिक देखने को मिलते हैं। तो आप संजय लीला भंसाली की फिल्म मलाल को लेकर कितना एक्साइटेड हो, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।